Daily Bulletin is presented by Manu Multispeciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchhale and Sons Cloth Merchants. Powered by Beg Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government ETI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज आपके सामने ला रहे हैं, जहां पर कनाडा में हुआ चौथा इंडियन अरेस्ट। ये फोर्थ इंडियन नेशनल है जो कि सिख सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निजार के मर्डर केस में अरेस्ट किया गया है। अमनदीप सिंह का नाम है, जो कि एज 22 साल की आ रही है। अब डिटेंशन में है अनरिलेटेड गन चार्जेस के लिए। फर्स्ट डिग्री मर्डर और कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर इन निजार केस, इन पर बात की जा रही है। ये आपको बता देंगे, डिप्लोमेटिक टेंशन स्टार्ट हो चुके हैं ओटावा और न्यू दिल्ली के बीच में, जहां पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसी बात कही थी इंडियन इंटेलिजेंस इसमें इन्वॉल्व है, जो असैसिनेशन हुआ है निजार का। उसी को चलते हुए कनाडा और इंडिया में थोड़े जो है टेंशन चल रही हैं, और ये फोर्थ इंडियन को अब गिरफ्तार कर दिया गया है कनाडा में। वही नेशनल न्यूज़ की खबर लाने, अरविंद केजरीवाल अब इंटरम बेल पर बाहर हैं और वो कैंपेनिंग जमकर कर रहे हैं। वहीं पर आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स में दिल्ली में उन्होंने कहा कि बीजेपी 220 के करीब भी सीट्स नहीं ला पाएगी, और वो और आने वाले वक्त में इंडिया ब्लॉक अगली सरकार बनाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोकसभा सीट्स डिक्रीज होंगे। हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश में, और उनके सीट इंक्रीज भी नहीं होंगे कोई भी स्टेट में। ये उनके एनालिसिस हैं, और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी ये बात कह रहे हैं कि 220 से लेकर 230 तक सीट्स बनेंगे, मोदी गवर्नमेंट अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड मिलेगा अगर वो पावर में आते हैं तो। उसके बाद डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे AICC प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर की हुई चेकिंग। आपको बता देंगे फुल ऑफिशियल्स इस तरह की जो है चेकिंग करते ही रहते हैं, लेकिन खास बात ये रही, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये हेलीकॉप्टर जब वो बिहार के समस्तीपुर में गए थे वहां पर चेक किया गया। उसी को चलते बिहार के वहां के जो लीडर हैं उन्होंने कहा कि इस तरह की चेकिंग अगर अपोजिशन लीडर्स की हो रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि बीजेपी लेड NDA के जितने सारे लोग आराम से घूम रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं, लेकिन उन पर कोई जांच नहीं। अगर हो रही है तो एटलीस्ट उनके कुछ वीडियोस शेयर करें, ताकि पता चले कि दोनों के साथ एक तरह का ही सलूक किया जा रहा है। अल मिसबाह टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2024, डिपार्चर है 10 जून और अराइवल है 18 जुलाई। मक्का और मदीना के होटल्स आपको 4 स्टार मिलेंगे। मुअल्लिम सी कैटेगरी के ओल्ड मीना से आपको मिलेंगे, और इसका प्राइस आ रहा है 7 लाख रुपीज। जागीरदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनाम द पेट्रोल पंप आप विजिट करें, और अब्दुल जावेद साहब को कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। आपको बता दें नासा ने कुछ फोटोज शेयर किए हैं। ये फोटोज कहीं और के नहीं बल्कि सन के यानी सूरज के हैं। सूरज पर जो है एक मैसिव एक्सप्लोजन हो चुका है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि सोलार स्ट्रॉम, जिसे हम कहते हैं सोलार फ्लेयर्स, उस तरह की एक्टिविटी हो रही है सूरज में, और शायद उसी की वजह से अर्थ में भी काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, और हीट वेव्स भी आप देख रहे हैं इस तरह से, क्योंकि सूरज के अंदर से एकदम तूफान सा निकल रहा है। इसकी वजह से वहाँ के आसपास के सैटेलाइट जो अर्थ के होते हैं उसके मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज हो सकती है, थोड़े बहुत असर होते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है नासा के लिए, और ख़ासतौर पर एलन मस्क की SpaceX और स्टारलिंग कंपनी के लिए, और उन्होंने कहा कि हम अपने इस तरह के सोलर स्टॉर्म्स के लिए तैयार हैं और अपने इक्विपमेंट्स को, सैटेलाइट्स को संभाल कर रखे हैं। COVID-19 के चलते हुए आपको एक अहम खबर बता दें कि 91 नए केसेस रजिस्टर हुए हैं, जो नया कोविड सब वेरियंट आया है। महाराष्ट्र में केसेस रजिस्टर हुए हैं, 51 पुणे में हैं और 20 जो है थाने में हैं। लेकिन ये वेरियंट जो है ओमिक्रॉन का सब वेरियंट है, जो कि प्रीवियसली सर्कुलेटिंग जो JN वेरियंट फिर रहा था। अब देखिए, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, जस्ट एक नॉलेज के तौर पर बता रहा हूँ आपको, ऐसा कोई परेशान होने की बात नहीं है। स्टेट में क्योंकि सर्वेलेंस चल रहा है, देखिए ढूंढ रहे हैं तो केस मिल रहा है, वरना ऐसा कोई जो है हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है, ना कि ऐसे कोई सीरियसनेस जमा हो रही है। उसके बाद सबसे अहम खबर आपको बता दें कि आज इलेक्शन डे है। आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन अलग अलग स्टेट्स में फोर्थ फेज ऑफ इलेक्शंस होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितने भी ये बुलेटिन देख रहे होंगे, आपके अगर इन स्टेट्स में अगर आपके रिश्तेदार हैं रहने वाले, तो ज़रूर वहां पर जाएं, वोट करें और अच्छी और सेक्युलर और डेवलपिंग गवर्नमेंट को चूज़ करें।
अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स शरत टॉवर्स एम एस के मिल रोड गुलबेगा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद बसेश्वर कॉलोनी अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री मुस्लिम चौक अल शरीफ बी एस सी डिग्री कॉलेज गर्ल्स यदुला कॉलोनी अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड ओल्ड जवरगी रोड। वहीं असद उद्दीन ओवैसी का बयान आया कि पीएम जो है वो कोई एक कम्युनिटी के नहीं है, हर हिंदुस्तानी की वो प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारे हिंदू बहनों को ऐसा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि उनका मंगल सूत्र निकाला जाएगा। हम दुआ करते हैं कि आपका सुहाग हमेशा आबाद रहे। इस तरह की बात कही ओवैसी ने मोदी जी के मंगल सूत्र रिमार्क पर। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गो, वजीर आजम 130 करोड़ आवाम का वजीर आजम होता है। वज़ीर आज़म किसी एक समुदाय का, मज़हब के मानने वालों का नहीं होता है। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म वो वाहिद वज़ीर आज़म है। इस मुल्क की तारीख में कई वज़ीर आज़म गुजरे हैं, मगर जितनी गाली, जितनी बेइज्जती करने की कोशिश मौजूदा वज़ीर आज़म ने एक अखलियत की है, शायद ही किसी ने की होगी। एक तरफ कह रहे हैं कि हम घुसपैठी हैं। गुलबर्गा से आपको खबर ला रहे हैं, जहां पर एमएलए बीजेड जमीर अहमद खान, जो कि मिनिस्टर ऑफ वर्क माइनॉरिटीज और हाउसिंग के मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज दरगाह हजरत ख्वाजा बंदनवाज के सुरा रहमतुल्लाह अलैह पर उन्होंने हाजिरी दी, ज़ियारत की। खास बात ये भी रही कि डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब सजदा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदनवाज के सुरा रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने खास मुलाकात की। इस मौके पर सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब, डॉक्टर मुस्तफ़ा अल हुसैनी साहब, मुर्तज़ा हुसैनी साहब के साथ साथ कई सारे सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स भी यहाँ पर मौजूद रहे, जिसमें फजल खान साहब, लाल अहमद बॉम्बे सेठ और नईम खान के साथ साथ कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे, साथ साथ बीजेड खलील साहब और कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे। मदर्स डे सेलिब्रेट हुआ है, मदर्स डे को चलते हुए काफ़ी अच्छे वाइब्स हो रहे हैं। देखिए, मदर्स डे बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। ज़रूरी नहीं है कि हम मदर्स डे के चलते ही हम आपको एक दूसरे की अहमियत बताएं, माँ की अहमियत बताएं, लेकिन मदर का जो रोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और हमारी ओर से सभी माओं के लिए हैप्पी मदर्स डे। उसके बाद हम बात करते हैं आपको जनाब एसी कलूर साहब, जो कि कांग्रेस के काफ़ी सीनियर लीडर्स हैं, और उनके घर पर बीजेड जमीर अहमद खान ने ख़ास मुलाकात करने के लिए उनसे विज़िट किए हैं। आपको बताते हैं कि बीजेड जमीर अहमद खान ने एसी कलूर जी से मुलाकात की, काफ़ी देर तक उन्होंने बात की, और आपको बताते हैं एसी कलूर साहब एक बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं, और यादगिर में उन्होंने बहुत सारे काम किए। उसी को चलते हुए बीजेड जमीर अहमद खान साहब को उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक वफ का हॉस्टल होना ज़रूरी है, हॉस्पिटल की सख्त ज़रूरत है, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 40 साल से आपको बताते हैं कि जवाहर एजुकेशन सोसाइटी में वो जो है काम करते आए हैं, और कई लाखों बच्चे यहाँ पर डिग्री हासिल करते हुए अच्छी पोजिशंस पर आए हैं। इस मौके पर कई सारे डिग्नेटरीज यहाँ पर मौजूद रहे, और ये मुलाकात काफ़ी अच्छी रही। Thought for the day is presented by Desi Gold Pure Chakki Atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का thought of the day है, life is a succession of lessons which must be lived to be understood. यानी कि जिंदगी एक lessons का succession है, आपको जीना होगा तभी आप understand करेंगे। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umra Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Darga Road, Gulbarga. Dragon fruits के आज हम आपको benefits बता रहे हैं, enhance करता है आपका iron level, antioxidants इसमें है, immune booster ये है, healthy skin support करता है, delay aging करता है, antiviral properties हैं, और prebiotics का ये rich source है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Mukhtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government ETI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मुबीन अहमद का, लिखा लाइफ रहने के लिए शुक्रिया सर, लिखें। शेख शेब ने सलाम लिखा है, सोना न्यूज़ के बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, लिख रहे हैं मोहम्मद गैसुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम, आपका बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा है ताहिर, लेकिन सैयद मोइन पटेल बहुत शुक्रिया। देश की दुश्मनों से हमें होशियार रहना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दुआ फॉर कांग्रेस लिख रहे हैं, जय हिंद जय संविधान, जय किसान लिख रहे हैं MSM। साल में तारा इस बार कांग्रेस ही जीतेगी इंशाल्लाह, हम सबकी दुआएं लिख रहे हैं आयशा सईद। और सैयद साथ ये लिखे, पानी का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, 15 दिन से नल नहीं खुला है।
संस्कार रिजवान ने भी मैसेज डाला है। तार में सोनिया गांधी संबलपुर के, वहाँ पर भी पानी का, जी हाँ पानी का प्रॉब्लम, देखिए मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत जगह पानी का प्रॉब्लम चल रहा है। दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द पानी का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी भी लिख रहे हैं कि सामने तार भाई, तार साहब, खारियत खाजा कॉलोनी, खमर कॉलोनी, नाली का गंदा पानी आ रहा है, मैला पानी। मैंने ये बात बताई है, कई सारे कॉर्पोरेट से मैंने बात की है और एमएलए मैडम तक भी बात पहुंचाई है, लेकिन क्योंकि पानी का लेवल जो है नीचे आ चुका है, इसकी वजह से जो है पानी नहीं आ रहा, इस तरह की बात बताना, टेक्निकल इशू की बात बताई जा रही है। लेकिन मैं बताना आपको, देखिए आसपास में बहुत सारे वाटर बॉडीज़ हैं, मैं डीसी मैडम से भी इस बारे में बात करूंगा और यहां के लीडर से बात करूंगा कि कुछ तो कुछ रास्ता निकालें। पानी की जो खिलत हो रही है, यानी आने वाले साल में उम्मीद करते हैं कि जब तक हम एक एक्शन प्लान बनाकर नेक्स्ट समर के लिए हम तैयार होना चाहिए कि आने वाले वक्त में 24/7 सप्लाई शुरू हो जाए और हर घर में पानी होना चाहिए। हबीब लिख रहे हैं केजरीवाल का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड बाय अब्दुल करीम मुछाले एंड सन्स क्लोथ मर्चेंट्स। Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center. Opposite Government ETI, Dargah Road, STBT.